हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल योर न्यू डायरेक्शन में। आज है 17 मार्च और 17 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न एक बार मैं फिर से लेकर हाजिर हुआ हूं आप सभी के सामने। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप आए हुए हैं चैनल पर नए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और दबा लीजिए बेल आइकन को, ताकि आने वाले नए नए करंट अफेयर्स के वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। चलिए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न। और आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है 2022 में होने वाले अंडर 17 महिला फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। सारे प्रश्न ध्यान से समझिएगा, आज के वीडियो को स्किप ना करिएगा। 2020 में होने वाले 17 महिला फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो कौन सा देश करेगा, भारत करेगा। भारत 2020 में अंडर 17 महिला फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। मियामी में हुई फीफा परिषद की बैठक में भारत को यह जिम्मेदारी दी गई। कहां पर जिम्मेदारी दी गई, मियामी में हुई, ठीक है, मियामी में यह बैठक हुई थी, याद रखिएगा। इससे पहले भारत अंडर 17 पुरुष फीफा विश्व कप की सफल मेजबानी कर चुका है। इससे पहले भारत अंडर 17 पुरुष फीफा विश्व कप की मेजबानी कर चुका है, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कि अंडर 17 पुरुष फीफा विश्व कप की मेजबानी किसने की, तो भारत ने की, ठीक है। तो इससे संबंधित ये महत्वपूर्ण प्रश्न सारे याद रखिएगा और कहीं पर लिख दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है हमारा दूसरा, एशियाई युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन भारत ने कितने पदक जीते, ठीक है। एशियाई युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले ही दिन भारत ने कितने पदक जीते थे, 5 पदक जीत लिए। कितने जीते लिए, 5 पदक जीत लिए, याद रखिएगा अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप देखिएगा। पहला है, टी फिलिप महेश्वरन ने बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीता, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें बहुत तरह से प्रश्न बन सकता है कि बाधा दौड़ में किसने स्वर्ण पदक जीता, टी फिलिप महेश्वरन ने, ठीक है। इस तरह कई सारे प्रश्न बनेंगे, तो इसको जरूर याद रखिएगा, टी फिलिप महेश्वरन ने बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। अगला है, विपिन कुमार ने हैमर थ्रो में स्वर्ण पदक जीता। अगला है, हर्षिता सेरावत ने हैमर थ्रो में रजत पदक जीता। फिर अगला है, दीपक यादव ने पोल वाल्ट में कांस्य पदक जीता। अगला और अंतिम है हमारा, अजय ने 1500 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता, ठीक है, समझ गए। अब ये सारी चीजें आप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट बहुत है, क्योंकि ये खेल से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, सब चीजें याद रखिए। फिर से मैं रिपीट करवा देता हूं, टी फिलिप महेश्वरन ने बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीता, विपिन कुमार ने हैमर थ्रो में स्वर्ण पदक, हर्षिता सेरावत ने हैमर थ्रो में रजत पदक, दीपक यादव ने पोल वाल्ट में कांस्य पदक, अजय ने 1500 मीटर दौड़ में कांस्य पदक, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, हाल ही में 10वें द्विवर्षीय नेशनल ग्रास रूट इनोवेशन पुरस्कार किसने प्रदान किया। हाल ही में 10वें द्विवर्षीय नेशनल ग्रास रूट इनोवेशन पुरस्कार किसने प्रदान किया, तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने प्रदान किया। किसने प्रदान किया, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इससे संबंधित कुछ चीज, पहली बार इसका आयोजन राष्ट्रपति भवन से बाहर गुजरात की राजधानी गांधीग्राम के निकट ग्राम भारती फाउंडेशन हुआ। ऐसा पहली बार हुआ है कि इसका आयोजन राष्ट्रपति भवन में न कराकर गुजरात की राजधानी गांधीनगर के निकट ग्राम भारती फाउंडेशन में हुआ। पूछा जा सकता है कि कहां आयोजन किया गया, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर के निकट ग्राम भारती फाउंडेशन में हुआ। अच्छा, इससे संबंधित कुछ चीजें क्या है वो देखते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रकाश सिंह रघुवंशी को पौधों के नस्ल में सुधार के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया।
अगर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर लिख लें कहीं पर, अगर पूछ लिया जाए कि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो उत्तर प्रदेश के प्रकाश सिंह रघुवंशी को। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किस लिए प्रदान किया गया, पौधों के नस्ल में सुधार के लिए। तीन प्रश्न है, ठीक है, याद रखिएगा तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगला, अरुणाचल प्रदेश के अनंत टडार को अंधेपन के शिकार लोगों के लिए स्मार्ट चश्मा बनाने के लिए पुरस्कृत किया गया। ठीक है, स्मार्ट चश्मा बनाने के लिए किसे पुरस्कृत किया गया, अरुणाचल प्रदेश के अनंत टडार को अंधेपन के शिकार लोगों के लिए स्मार्ट चश्मा बनाने के लिए पुरस्कृत किया गया। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखें। चौथा प्रश्न है हमारा, चौथा प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ CBC कंट्री बाई कंट्री रिपोर्ट के आदान प्रदान हेतु द्विपक्षीय समझौता किया है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ CBC यानी कि कंट्री बाई कंट्री रिपोर्ट के आदान प्रदान हेतु द्विपक्षीय समझौता किया है। किसके साथ किया, अमेरिका के साथ किया। किसके साथ किया, अमेरिका के साथ किया। याद रखें, भारत और अमेरिका में CBC रिपोर्ट के आदान प्रदान के लिए द्विपक्षीय सक्षम प्राधिकरण प्रबंधन को अंतिम रूप से दिया गया। इस पर 31 मार्च 2019 या इससे पहले हस्ताक्षर किए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो समझौता हुआ है वो 31 मार्च 2019 से पहले या हो सकता है 31 मार्च तक इस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, पांचवा प्रश्न, हाल ही में किस देश में उष्णकटिबंधीय चक्रवात इदाई से जनहानि हो गई है। कौन सा चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात कौन सा, इदाई, नाम याद रखिएगा इदाई। कहां पे हुई है इससे हानि, जिम्बाब्वे में हुई है। कहां हुई है, जिम्बाब्वे में इससे हानि हुई है। कम से कम 24 लोगों की मौत हो गई है और मोजाम्बिक में भी इससे नुकसान हुआ है। ठीक है, इसमें 24 लोगों की मौत हुई है, इससे जोमाम्बिक में कुछ नुकसान हुआ है और जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो जो इदाई है, किससे नुकसान हुआ है, किस उसमें, जिम्बाब्वे में हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला हमारा छठा प्रश्न, हाल ही में CBI में संयुक्त निदेशक कौन बनी है। हाल ही में CBI में संयुक्त निदेशक कौन बनी है, संपत मीणा बनी है। कौन बनी है, संपत मीणा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर लिख लें इसको। यह झारखंड कैडर की 1994 बैच की IPS अधिकारी हैं। यह झारखंड कैडर की अगर पूछ लिया जाए तो बता दीजिएगा, यह झारखंड कैडर की 1994 बैच की IPS अधिकारी हैं। हाल ही में CBI में संयुक्त निदेशक कौन, संपन मीरा, याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है आने वाले एग्जाम में। सातवां प्रश्न, हाल ही में BSNL के नए वित्त निदेशक कौन बने, विवेक बंजल। कौन बने, विवेक बंजल हाल ही में BSNL के नए वित्त निदेशक बने हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न हमारा, ब्रच्छ माता के नाम से किसे जाना जाता है, ब्रच्छ माता के नाम से किसे जाना जाता है। तो यह प्रश्न आपके लिए होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट, सालू मर्दा थिमक्का को किसे जाना जाता है, ब्रच्छ माता के नाम से सालू मर्दा थिमक्का को जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ब्रच्छ माता के नाम से सालू मर्दा थिमक्का को जाना जाता है। यह 107 वर्षीय कर्नाटक की सालू मर्दा थिमक्का पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ठीक है, ये 107 वर्ष की हैं, पहली बात याद रखिए। दूसरी बात, यह पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हाल ही में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इनसे संबंधित तीन चीजें याद रखिए, 107 वर्ष की हैं और पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता है और हाल ही में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें वृक्ष माता के नाम से जाना जाता है। किन्हें, सालू मर्दा थिमक्का को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर याद लिख ले कहीं पर। नवा प्रश्न हमारा, हाल ही में भारत के कितने राज्यों के लिए जलवायु परिवर्तन शोध हुआ है। हाल ही में भारत के कितने राज्यों के लिए जलवायु परिवर्तन शोध हुआ है, 12 राज्यों के लिए। कितने राज्यों के लिए हुआ है, 12 राज्यों के लिए हुआ है। किन के द्वारा किया गया, IIT गुवाहाटी, IIT मंडी, IIT बेंगलुरु ने मिलकर 12 हिमालय राज्यों के लिए जलवायु परिवर्तन की संवेदनशीलता दर्शाने वाला मानचित्र तैयार किया है। तो किन लोगों ने किया है, ये जरूर याद रखिएगा, IIT गुवाहाटी, IIT मंडी, IIT बेंगलुरु।
हाल ही में भारत के कितने राज्यों के लिए जलवायु परिवर्तन शोध हुआ? 12 राज्यों के लिए। किन्होंने किया? आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी मंडी, आईआईटी बंगलुरु। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 10वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश ने बयान दिया है कि वह भारत के साथ मिलकर ड्रोन बनाएगा? किसने दिया है? अमेरिका ने। अमेरिका ने यह बयान दिया है कि वह भारत के साथ मिलकर ड्रोन बनाएगा। साथियों, अगर प्रश्न पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न हमारा है 11वां प्रश्न, हाल ही में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित होने वाली रेशमा नीलोफर नाहा कौन है? हाल ही में किस पुरस्कार से? नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित होने वाली रेशमा नीलोफर नाहा कौन है? भारत की पहली और एकमात्र महिला मरीन पायलट है। ये भारत की पहली और एकमात्र ऐसी महिला हैं जो मरीन पायलट हैं। तो ये याद रखिए, अगर पूछ लिया जाए भारत की एकमात्र महिला मरीन पायलट कौन है, ठीक है, या पहली मरीन पायलट कौन है, तो रेशमा नीलोफर नाहा का नाम आएगा, याद रखिएगा। और नारी शक्ति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया हाल ही में? उसमें भी रेशमा नीलोफर नाहा का ही नाम आएगा। तो सारे प्रश्न इससे संबंधित थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो ये साथियों आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न थे। अगर आपको आए हो पसंद तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर, और अगर आप आए हुए थे चैनल पर नए तो चैनल को करिए सब्सक्राइब और दबा लीजिए बेल आइकन को, ताकि इसी तरह के करंट अफेयर्स के वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले आपको। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, नए करंट अफेयर्स के साथ, नए सरकारी नौकरी के साथ। अब सभी साथियों को जय हिंद।